ओम शांति। नवरात्रि का छठा दिन, हम सब भाई बहन अपने श्रेष्ठ अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा जगत माता के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी माता की स्मृति में स्थित होकर, स्वयं को श्रेष्ठ स्थिति में स्थित कर, भक्त आत्माओं को कष्टों से, विघ्नों से, दुख अशांति से मुक्त करने के लिए सकास देंगे। तो सर्वप्रथम अपने श्रेष्ठ स्वरूप को जान लें। नवरात्रि के छठे दिन विशेष मां दुर्गा अष्टभुजाधारी जगत माता के छठवे स्वरूप देवी कात्यायनी माता के स्वरूप का भक्त लोग बड़े ही उमंग उत्साह से आह्वान करते हैं। यह माता विशेष भक्तों को कष्टों से, दुख अशांति से मुक्त कराती हैं। ऐसा माना जाता है कात्यायन ऋषि के यहां माता का जन्म हुआ, इसीलिए आपका नाम कात्यायनी देवी पड़ा। आपने ही महिषासुर राक्षस का वध कर देवी देवताओं की रक्षा की थी, तो आज इसी स्वरूप में स्वयं को स्थित करने के लिए शिव पिता से सर्व शक्तियों का वर्षा लेंगे और स्वयं को शिव शक्ति देवी कात्यायनी स्वरूप में स्थित कर सारे विश्व का भ्रमण लगाकर एक एक भक्त आत्माओं को दुख कष्ट और विघ्न से मुक्त करेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। इस पांच तत्वों के शरीर में प्रकृति सिंहासन पर विराजमान शिव ज्योति स्वरूप पिता की संतान ज्योति स्वरूप आत्मा सभी ओर से ध्यान हटाकर बाहरी चीजों से मन बुद्धि को हटा लें। चलें अंदर की यात्रा पर। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि संस्कार की भी मालिक, मेरा पिता शिव सारे विश्व का मालिक, सभी मनुष्य आत्माओं का पिता, अपने घर परमधाम में मेरा आह्वान कर रहे हैं।
सेकेंड भी विलंब किए बिना। पहुंच जाएं पिता शिव ज्योति के सम्मुख। तो अनुभव करें स्वयं को पिता शिव के सम्मुख। मैं सर्वशक्तिमान पिता शिव की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूं। मुझे बाबा द्वारा प्रदान की हुई अनमोल गुण तथा शक्तियां प्राप्त हैं। इन शक्तियों के रहते मुझ पर कैसी भी आसुरी विनाशी शक्तियों का प्रहार नहीं हो सकता। ये परमात्म शक्तियां सदैव छत्र छाया बनकर मेरी रक्षक बनी हुई हैं। मेरे साथ रहती हैं। मेरा विघ्न विनाशक स्वरूप चार भुजाओं से सुसज्जित मां कात्यायनी देवी स्वरूप बनता जा रहा है। मेरा यह स्वरूप हर विघ्न हर परिस्थिति पर आसुरी दृष्टि वृत्ति पर मुझ आत्मा को सहज ही विजय प्रदान करा देता है। मैं अपने अनादि स्वरूप में स्वयं को सहज ही स्थित कर इस साकारी दुनिया के आसुरी संप्रदायों द्वारा रची हुई विकटते विकट परिस्थितियों पर भी स्वतः और सहज ही विजय प्राप्त कर लेती हूं। किसी भी प्रकार के Thank you.
तंत्रों और मंत्रों का मुझ पर। कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता। मैं सदा अलमाइटी अथॉरिटी। सर्वशक्तिमान शिव पिता की छत्र छाया। मैं पलने वाली सर्व शक्तियों से संपन्न शिव की अति प्यारी। शिव शक्ति हूं। मैं ही आसुरी संस्कारों का विनाश करने वाली असुरों पर विजय प्राप्त करने वाली शिव पिता की श्रेष्ठ शिव शक्ति। असुर संहारनी हूं। महिषासुर मर्दनी हूं। मैं महाकाली हूं। मेरे महाकाली स्वरूप के आगे कोई भी आसुरी प्रवृत्ति स्वतः ही प्रभावहीन हो जाती है। दुखदायी रिद्धि सिद्धि वाली आसुरी प्रवृत्ति पर पल भर में विजय प्राप्त करने की शिव पिता से विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। तो अब चलें स्थूल वतन पर। संपूर्ण संपन्न बनकर यज्ञ की सेवा पर देखें भारत में एक एक मंदिर में जैसे जश्न का माहौल है। उत्सव का उमंग उत्साह का माहौल है। भक्त आत्माएं मेरा आह्वान कर रहे हैं। मेरी महिमा में गीत गा रहे हैं। हे विघ्न विनाशिनी माता, असुर संहारिणी माता, हमें दुख से मुक्त कराने वाली माता,
हमारे कष्टों को हरने वाली माता, आ जाओ माता आ जाओ। पहुंच जाएं भक्तों के सम्मुख अपनी जड़ मूर्तियों में। अपनी मधुर मुस्कान द्वारा भक्तों को चिंता मुक्त करा दें। अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा भक्तों को विघ्न और कष्टों से मुक्त करा दें। देखें इस दृश्य को साक्षी होकर। मैं आत्मा देवी कात्यायनी माता के जड़ मूर्ति में विराजमान हूं। जड़ मूर्ति से जैसे दिव्य शक्तियों रूपी प्रकाश की बरसात हो रही है, चारों ओर जैसे रंग बिरंगा प्रकाश चमचम हो रहा है, मैं देवी सजे सजाए मंदिरों में विराजमान हूं। भक्त गायन और महिमा तरह तरह के नृत्य कर मुझे प्रसन्न कर रहे हैं। मैं भी अपना वरदानी हाथ उठाकर उन्हें विघ्नजीत भाव का सुखी भाव का वरदान दे रही हूं। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करा रही हूं। भक्त भी जैसे स्वयं को बोझ मुक्त हल्का अनुभव करने लगे, जैसे उनकी इच्छा मनोकामनाएं सहज ही पूर्ण होने लगी हैं। उनके अंदर की आसुरी शक्तियां भस्म होने लगी हैं। आ जाएं अपने काली स्वरूप में, मेरे महाकाली स्वरूप के दर्शन मात्र से भक्त आत्माएं हर विघ्न हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने की शक्तियों को स्वयं में समाने लगे हैं। मेरे दिव्य तेज स्वरूप का तेज सारे वायुमंडल को पावरफुल बना रहा है।
इस ओहरे में जो भी भक्त आता, मनुष्य आत्माएं आती, उन्हें भी शक्तियों की अनुभूति होने लगती। सबके दुख, अशांति और पीड़ाएं भस्म होती। उनके विरुद्ध जो भी आसुरी प्रवृत्ति स्वतः ही प्रभावहीन हो जाती। ऐसे ही विश्व के कोने कोने में एक एक मंदिर की एक एक मूर्ति में विराजमान हो होकर विश्व की एक एक भक्त आत्माओं को शिव से प्राप्त शक्तियों की अनुभूति कराना, उनके दुख अशांति और पीड़ाओं को हरना, यही श्रेष्ठ कर्तव्य जैसे शिव पिता ने मुझे दिया। मैं शिव शक्ति भी अथक बन रात दिन विश्व के कोने कोने का भ्रमण कर एक एक भक्त आत्मा को एक एक मनुष्य को शिव की शक्तियों से संपन्न बनाना, उनके विघ्नों को हरना, अपने सर्व सिद्धि स्वरूप में स्थित रहना, दिन रात कोई ना कोई सेवा में मन से शक्तियां देना, मुख से वाणी की सेवा करना, कर्म द्वारा गुणों की अनुभूति कराना, संबंध संपर्क में एक दो को खुशी देना, इन्हीं सेवाओं में बिजी रहना, मुझ शिव शक्ति का कर्तव्य है। अच्छा, कल विशेष व्रत के साथ विशेष योग अभ्यास करेंगे। ओम शांति।